पश्चिम बंगाल में रेप के मामले पर सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी को शायद अब मुंह की खानी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आरजी कार का मामला हुआ और उस पर लगातार सियासत की रोटी सेकने वाली भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी ने उसी के जाल में फंसा दिया है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपराजिता बिल 2024 पारित किया, उसके बाद लगातार ममता बनर्जी और उनके समर्थकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष चल रहे और उनसे सवाल भी पूछे जा रहे। उसी बीच गवर्नर सीवी आनंद बोस की तरफ से एक बयान सामने आता है और उस बयान के बाद ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि सियालदह हाई कोर्ट में सीबीआई को जबरदस्त फटकार लगी है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि आपका सुस्त रवैया सही नहीं है, आपको इस पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से चलना चाहिए, इसकी गंभीरता को देखना चाहिए। कोर्ट की तरफ से और सख्त लहजे में पूछा गया है कि आपके रवैये से लगता है कि हम जो है आरोपी को डबर मर्डर और रेप मामले के आरोपी को छोड़ दे, आपका रवैया सही नहीं है। उसी बीच सीवी आनंद बोस ने जो है अपराजिता बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, मगर कई सारे अपडेट भी कर दिए हैं। सीवी आनंद बोस की तरफ से कई सारे बड़े महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं और इस अपडेट के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद से भारतीय जनता पार्टी को उसी के जाल में फंसा दिया है और भारतीय जनता पार्टी जो सड़कों पर उतर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही थी, तो अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को छुपाने के लिए शायद उस नाटक और उस धरना प्रदर्शन को बंद भी कर दे। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी, देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से अपराजिता बिल पास किए हुए एक हफ्ते हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते जो है अपराजिता बिल 2024 पास किया। उस बिल में कई सारी जो है बड़ी चीज़ें अपडेट थी और उस बिल के अनुसार जो है 36 दिनों में जो भी रेप के मुजरिम होंगे उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी और 24 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस बिल को पास करने के बाद गवर्नर के पास जाना था और गवर्नर के पास जाने के बाद इस बिल को जो है राष्ट्रपति के पास जाना था ताकि इस पूरे मामलात में बिल को पास किया जा सके और इसको लागू कर दिया जा किया जा सके। मगर आपको बता दें कि जैसे ये बिल पास किया गया और गवर्नर साहब के पास भेजा गया तो गवर्नर साहब की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर सख्त टिप्पणियां की गई और कहा गया कि ये जो बिल है ये आंध्र प्रदेश और जो महाराष्ट्र के जो रेप बिल है उसी से प्रभावित है, उसी का कॉपी पेस्ट है। दूसरी तरफ कहा कि इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं और इसकी टेक्निकल रिपोर्ट हमें नहीं भेजी गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि दोषियों को सजा देने के लिए किसी कानून के बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से बिल पास किया और बिल पास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पे आरजी कार के मामलात में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा चाह रही थी और इस्तीफा ना देकर ममता बनर्जी ने एक बिल पास कर दिया और उस बिल को लेकर लगातार सियासत भी गर्म है। और उसी बीच सियालदह कोर्ट का एक बयान सामने आया है जो सीबीआई के सुस्त रवैये पर सवाल उठा रहा था। कोलकाता पुलिस जब इस पूरे मामला की तफ्तीश कर रही थी तो कोलकाता पुलिस पर भारतीय जनता पार्टी सीपीआईएम कांग्रेस की तरफ से लगातार ये जो है इल्जाम लगाया जा रहा था कि दोषियों को छुपाया जा रहा है और कोलकाता पुलिस ने सबूतों को मिटाया है। मगर इसी बीच जो है सियालदह हाई कोर्ट ने जो कुछ भी टिप्पणी की है उस पर जो है कई सारे सवाल खड़े हो गए। सियालदह कोर्ट में आज जो है संजय रॉय की जमानत की याचिका थी, सीबीआई को आना था और सीबीआई के ऑफिसर्स को आना था, मगर अफसोसजनक है कि सियालदह कोर्ट में सीबीआई के ऑफिसर्स और सीबीआई की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील 40 मिनट लेट आए थे और जैसे 40 मिनट लेट आते हैं तो सियालदह कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके तरफ से सख्त लफ्जों में निंदा की जाती है और सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि क्या हम कोलकाता रेप मर्डर मामले के आरोपी को छोड़ दें। कोर्ट ने ये सीबीआई से पूछा। फिर कोर्ट ने आगे पूछा कि आपका ये सुस्त रवैया इस केस के लिए सही नहीं है, आपको गंभीरता के साथ इस मामले को लेना चाहिए। आपको बता दें कि सीबीआई इस मामले को पिछले जो है 10 दिनों से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और देख रही है, मगर अभी तक कुछ इस पर खास अपडेट सामने नहीं आ रहे हैं। खाली रोज कुछ मीडिया में आपको मीडिया ट्रायल चल रहा है मगर जस्टिस के लिए सीबीआई की तरफ से कुछ कठोर कार्रवाई नहीं हो रही और पूरा मामला सुस्ती की तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए
कोर्ट ने ये जो है बात कही। आपको बता दें कि सीवी आनंद बोस ने क्या कुछ कहा है, वो तमाम चीजें आपको बताते हैं। सीवी आनंद बोस ने कहा है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप केस में अब तक जो कुछ भी हुआ है, तीखे बहस और आरोप प्रति आरोप के खेल के बाद राजनीतिक धमकियां और बिल पर साइन करने के लिए मुझे अल्टीमेटम भी दिया गया था और राजभवन के बाहर धरने के प्रदर्शन की धमकी भी दी गई थी। ममता सरकार ने कानून और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया। फिर उसके बाद जो है सीवी आनंद बोस ने कहा है कि टेक्निकल रिपोर्ट मिलने के बाद बिल तुरंत जो है राष्ट्रपति को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल को एंटी रेप विधेयक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के ऐसे ही विधेयक की लाइन में शामिल हो गया है जो राष्ट्रपति के पास जो है लंबित है। फिर उसके बाद लिखा है कि बिल को देखकर पता चलता है कि बिल जल्दबाजी में पारित किया गया है। लोग अन्याय के लिए अभी और इंतजार नहीं कर सकते हैं, न्याय के लिए मौजूदा कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, विधेयक को कानून में बदलने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही थी, इस्तीफा पूछ रही थी। अब ममता बनर्जी ने जब कानून बना दिया, एंटी रेप बिल बना दिया और 36 दिनों में जो भी आरोपी या जो भी दोषी होंगे उनको जो है फांसी की सजा की बात कर दी गई, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे भी उतर गए और दूसरी तरफ गवर्नर साहब का ये बयान भी सामने आ गया और गवर्नर साहब ने ये बयान भी सामने दे दिया। आपको बता दें कि इस बिल जिस तरह से पास हुआ तो ये पूरे देश भर का पहला ऐसा बिल है जो एंटी रेप बिल बना और 36 दिनों में रेप की सजा देने वाला ये शायद पहला बिल बन गया। मगर अभी ये बिल जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के पास इससे मिलता जुलता तीन बिल जो है ऑलरेडी वहां पे है, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के बिल जो है जो रेप को लेकर है, जो वहाँ पर सजाए मौत का यानी हैंग द रेपिस्ट का जो हैंग द का मामला है वो वहाँ पर रुका हुआ है, मगर अभी तक उस पर साइन नहीं किया गया। आपको बता दें कि 8 इसके अलावा और महत्वपूर्ण बिल थे जिस पर गवर्नर साहब की अब तक सहमति नहीं हुई, जिसमें विश्वविद्यालय कानून 2022 था, पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय कानून 2022 है, निजी विश्वविद्यालय कानून 2022 है, कृषि विश्वविद्यालय कानून 2022 है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कानून 2022 है, आलिया विधेयक संशोधन बिल 2022 है, शहर और देश योजना और विकास संशोधन बिल 2022 रुका हुआ है, विश्वविद्यालय कानून बिल 2023 भी जो है गवर्नर के साहब के पास अभी रुका हुआ है। देखना है कि इस बिल पर कितना समय लगता है। वैसे जो अपराजिता बिल बना है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बिल को जल्द से जल्द गवर्नर और राष्ट्रपति से साइन करने की जो है अपील की है, मगर उसी बीच जो है गवर्नर साहब का इतना बड़ा बयान सामने आता है जो बहुत सारी चीज़ों को दर्शा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शायद झूठे मुखौटा को भी दर्शा रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।